यह एक ऐसे मुजाहिद का नाम है जिन्होंने अपनी जिंदगी में लगभग 125 जंगों में शिरकत की, लेकिन उनमें से एक में भी शिकस्त नहीं खाई। वो एक सिपाही थे, एक कमांडर थे। उन्होंने अपने वक्त की सुपर पावर्स को उछल कर रख दिया था। उन्होंने फारस की सल्तनत को हराया, उन्होंने रोमियो को हराया, उन्होंने इराक, ईरान, आर्मेनिया, जॉर्डन, सीरिया जैसी सल्तनत को जीता। वो खालिद बिन वलीद हैं। वो बहादुर होने के साथ साथ कमाल के प्लानर भी थे। इनका सबसे बड़ा हथियार था इनकी साइकोलॉजी वॉरफेयर। हजरत खालिद की एक और टेक्निक थी, वो अपनी फौज को ग्रुप्स में डिवाइड करके डिफरेंट टाइम्स में अटैक करवाते ताकि दुश्मन को ये लगे इनके पास बड़ी ताकत है। हालांकि वो तादाद में इतने ना थे। हजरत खालिद बिन वलीद का शुमार मक्का के अमीरों में होता था। लोग उन्हें अल वलीद के नाम से पुकारते थे। हजरत खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल करने से पहले इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। आप उस वक्त मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने की हर तरह कोशिश करते। अहद की जंग में मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंचाने वाले हजरत खालिद बिन वलीद ही थे। जंगों की सलाहियतों को देखते हुए कौम की हिफाजत उनके सुपुर्द की गई। ऐसे में उन्हें मालूम हुआ कि कुरैश के एक नौजवान ने ये दावा किया है कि उस पर अल्लाह की तरफ से वही आती है। फिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों को ये दावत देते हुए सुना, लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, पत्थर के बुतों की पूजा छोड़ दो। ये दावत सुनकर हजरत खालिद बिन वलीद ने ख्याल किया कि नया दीन तो उनकी सरदारी को खत्म कर देगा, तो वो अपनी कौम के साथ इस्लाम के खिलाफ हो गए। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कई जंगों में हिस्सा लिया। उन्होंने कुरैश के साथ मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को सताने का कोई भी मौका हाथ से जाने न दिया। मुसलमानों का मक्का में रहना नामुमकिन बना दिया। आखिर मुसलमान मदीना हिजरत कर गए। जब हद से ज्यादा सताया तो मुसलमानों ने जवाबी जंग की ठानी। इधर मुसलमानों की तादाद 313 थी और मुखालिफ की तादाद 1000 थी। गजबाए बदर में कुरैश के बहुत से सरदार मुसलमानों के हाथों मारे गए। अबू जहल, उतबा इब्ने रबिया, सैबा, वलीद। इस शिकस्त के बाद हजरत खालिद बिन वलीद को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ हर कोशिश में नाकाम हो गए। बदर की जंग के बाद कुरैश ने ये फैसला किया कि मुसलमानों के खिलाफ एक और जंग लड़ी जाए। तो मक्का वालों ने मुसलमानों के खिलाफ 3000 की फौज तैयार की और इर्द गिर्द के कबीलों से मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी का मुआयदा कर लिया। इसके बाद मदीना की तरफ रवाना हुए। अहद के मकाम पर मुसलमानों से सामना हुआ। उनकी तादाद लगभग 700 थी। हजरत खालिद बिन वलीद अहद की जंग में कुफारे मक्का के लश्कर शामिल एक दस्ते पर सालार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान ओहद में एक छोटी सी पहाड़ी पर जिसे एनएन या जबले रुमात कहते हैं 50 के करीब तीर अंदाजों को मुकर्रर फरमाया। ओहद पहाड़ और उस पहाड़ी के दरमियान एक हमवार मैदान है जहाँ ये जंग हुई। उस पहाड़ी पर तीरंदाजों को इसलिए मुकर्रर फरमाया था ताकि दुश्मन पीछे से हमला न कर सके। ओहद की लड़ाई शुरू हुई, उसमें मुसलमान बहुत ही जिगरो फरोश से लड़े और कुफार के पांव उखड़ गए और वो बदहवास होकर भागे। मुसलमान उनका पीछा करने लगे और माले गनीमत लूटने लगे। ऐसे में पहाड़ी पर मौजूद तीरंदाज दस्ते ने भी पहाड़ी छोड़ दी और माले गनीमत लूटने के लिए मैदान की तरफ दौड़े, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ताकीद फरमाई थी कि तुम लोग इस पहाड़ी से मत हटना। लेकिन उन्होंने ख्याल किया कि ये हुक्म उस वक्त तक के लिए था जब तक कुफार शिकस्त खाकर न भाग जाएं। लेकिन उनके सालार अब्दुल्ला बिन जैद ने उन्हें रोका भी था, लेकिन वो नहीं रुके और वो अपने कुछ साथियों के साथ पहाड़ी पर ही रहे। भागते हुए दुश्मनों में से हजरत खालिद बिन वलीद की नजर उस पहाड़ी पर पड़ी। उनकी तेज नजर ने फौरन भाप लिया कि उस तरफ से मुसलमान गाफिल हैं और उन पर दोबारा हमला किया जा सकता है। फिर उन्होंने अपने दस्ते के साथ मुसलमानों पर दोबारा हमला कर दिया और इस तरह गजबाए ओहद में दरकार सूरत हाल पेश आई। ये खालिद बिन वलीद की जंगी सलाहियत थी। ये देखकर हजरत खालिद बिन वलीद ने डिसाइड किया कि अरब के दूसरे कबीलों के साथ मिलकर मुसलमानों की दावत का खात्मा कर दिया जाए। उन्होंने अरब कबीले के 10,000 का एक बड़ा लश्कर जमा किया। इसीलिए इस जंग को जंगे आहजाब कहा जाता है। इस लश्कर ने मदीने की तरफ रुख किया। हजरत खालिद बिन वलीद और कुरैश के कुछ लश्करों ने ये तय किया था कि वो मदीने को लूट लेंगे और मुसलमानों को गुलाम बनाकर मक्का वापस ले जाएंगे। लेकिन ये लश्कर मदीना पहुंचा तो खालिद बिन वलीद और उनके लश्कर वाले ये देखकर शॉक हो गए कि मुसलमानों ने
शहर को बचाने के लिए उसके आसपास एक चौड़ी खंदक खोद रखी है। खालिद एक तजुर्बेकार जंगजू जरूर थे, लेकिन ये स्ट्रेटेजी उनके लिए बिल्कुल नई थी। उन लोगों ने बार बार खंदक पार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम हो गए। मुसलमान पूरी तरह अलर्ट थे, वो दुश्मन का सफाया करते रहे जो खंदक पार करने की कोशिश करता था। फिर जब मुआशरे को एक महीना गुजर गया और कुछ हासिल न हुआ तो खालिद बिन वलीद मायूस हो गए। उन्हें यकीन भी था कि मुसलमान हथियार नहीं डालेंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से तेज आंधी चली, उसने कुफार को बेहाल कर दिया और खेमे उड़ा दिए। लश्कर में हौलनाक अफरा तफरी मच गई। खालिद बिन वलीद ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो आखिर भाग गए। दुश्मनों के भाग जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने उमरा करने का इरादा किया। वो मामूली हथियारों के साथ इस उम्मीद पर मक्के की तरफ रवाना हुए कि कुरैश उन्हें उमरे से नहीं रोकेंगे। लेकिन जब मुसलमान मक्के के करीब पहुंचे तो मक्का वालों ने ख्याल किया कि मुसलमानों का यहां आना हमारे लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में हजरत खालिद बिन वलीद कुछ सवारों के साथ आगे बढ़े और हुदैबिया के मकाम पर मुसलमानों का रास्ता रोक लिया और ललकारा, लेकिन मुसलमान तो लड़ने के लिए आए ही नहीं थे। वो खामोश रहे। आखिर कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मुआहदा तय किया। तय ये हुआ कि मुसलमान अब मदीना वापस चले जाएं, अगले साल उमरे के लिए आएं। इस मुआहदे की कुछ और भी शरायत थी जो मैं तफसील से इन वीडियोस में बता चुकी हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कभी कभी हजरत खालिद बिन वलीद सोचते कि क्या वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इसी कश्मकश में परेशान रहते। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि इस्लाम लाने से पहले मैं हर बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आया, लेकिन हर मर्तबा उनका रोब और दबदबा मेरे दिल पर तारी हुआ। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में सहाबाओं को नमाज पढ़ा रहे थे। मैंने सोचा कि अच्छा मौका है, इस वक्त हमला कर दिया जाए तो मुसलमानों को जबरदस्त नुकसान पहुँचाया जा सकता है, लेकिन हिम्मत ने साथ न दिया। फिर इसी मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई। एक बार फिर सोचा कि हमला करूं, लेकिन कदम आगे न पड़े तो उस टाइम मैंने जान लिया कि ये यकीनन पूरी दुनिया पर गालिब आएंगे। जब मक्का फतह हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो मैं उस वक्त अपने बारे में सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, हबशा चला जाऊं या शाह हिराक्ल के पास चला जाऊं, अपने बाप दादा का मजहब छोड़कर यहूदी हो जाऊं या ईसाईयत इख्तियार कर लूं। तरह तरह के क्वेश्चंस जहन में आ रहे थे। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरे के लिए मक्का आए तो उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद वहां से निकल गए। उनके भाई ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिले। फिर उनके भाई अल वलीद ने खत लिखा जिसमें लिखा था, मेरे भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि खालिद कहाँ है, तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह मैं एक दिन खालिद को जरूर आपकी खिदमत में ले आऊंगा। ये हो नहीं सकता कि मेरा इतना जहीन भाई इस्लाम जैसी नेमत से महरूम रह जाए। मुझे ताज्जुब है कि तुम इस्लाम से इतनी नफरत करते हो, हालांकि तुम जैसा अकलमंद आदमी इस्लाम से इतनी दूर नहीं रह सकता। मेरे भाई गुमराही के अंधेरे से निकल कर हक की रोशनी में चले आओ। भाई का खत पढ़कर आपकी हालत बदल गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इस्लाम कबूल करने के लिए बेताब हो गए। साथ ही ख्वाहिश की कि मदीना जाने के लिए कोई साथी मिल जाए, तो आपने ये बात उस्मान बिन तलहा को बताई तो वो भी इस्लाम कबूल करने के लिए आपके साथ हो गए। फिर हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत उस्मान बिन तलहा इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में आप दोनों की मुलाकात हुदा के मुकाम पर हजरत अम्र बिन आस से हुई जो हबशा से आ रहे थे। तो हजरत अम्र बिन आस ने हजरत खालिद बिन वलीद से पूछा, अबू सुलेमान कहाँ का इरादा है? तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि इस्लाम कबूल करने के इरादे से मदीने जा रहे हैं। फिर हजरत अम्र बिन आस ने फरमाया कि वल्लाही मेरा भी यही इरादा है। 31 मई 628 ईस्वी को अजीम जनरल हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अम्र बिन आस उस्मान बिन तलहा ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी पूरी जिंदगी हक के लिए लड़ते हुए गुजारी। आपकी जुर्रत, शुजात और अजमत का एतराफ दुश्मन ने भी किया। जर्मन फौज के कमांडर से जब पूछा गया कि आपकी कामयाबी का राज क्या है तो उसने फौरन कहा कि मैं मैदान जंग में मुस्लिम कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद की स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि हजरत खालिद बिन वलीद एक ग्रेट कमांडर थे। यही वजह थी कि कैसर और किसरा उनके कदमों में आ गिरी। रूम और फारस की प्रॉब्लम्स उनके रास्ते में कोई रुकावट न बन सकी। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक
हर हक के मौके पर फतेहयाब रहे। शिकस्त किसी भी मैदान में उनके आगे न भटक सकी। गज़वाए मौता में उनके जौहर खुलकर सामने आए। हुआ यूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी हजरत हारिस बिन उमैर को खत देकर वादी बुशरा के हुक्मरान हारिस बिन अबी सिमर गस्सानी की तरफ रवाना किया। अभी वो शाम के सूबे बलका की बूता नामी बस्ती में पहुँचे के सूबे के गवर्नर सुराबील बिन अम्र गस्सानी को उनके आने की खबर मिली तो उसने उन्हें गिरफ्तार करके बेरहमी से शहीद कर दिया। यह गमनाक खबर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप बहुत रंजीदा हुए। इसके अलावा 15 सहाबा पर मुस्तमिल एक तबलीगी जमात मुल्क शाम में बिजी थी। इन तमाम सहाबा को धोखा देकर बेदर्दी से शहीद कर दिया। इन्हीं हालातों में रूमियों ने मदीने पर चढ़ाई की धमकी दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा की क़यादत में एक लश्कर भेजा और साथ ही फरमाया कि अगर जंग के दौरान ज़ैद शहीद हो जाए तो जाफर बिन अबी तालिब को सिपे सालार बनाया जाए और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रबाहा को बनाया जाए। वो भी शहीद हो जाएं तो सिपाही अपनी मर्जी से कमांडर चूज कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के लिए व्हाइट कलर का फ्लैग बनाया और ज़ैद बिन हारिसा के सुपुर्द किया। लश्कर को ये हुक्म दिया कि जिस मुकाम पर हारिस बिन उमैर शहीद हुए हैं वहाँ पर पड़ाव डालें और अल्लाह से मदद तलब करें। किसी के साथ ज्यादती न करना, बूढ़े बच्चे और औरतों को कत्ल न करना, किसी गोश नशीन राहिब की गर्दन न उड़ाना और न किसी इमारत को मुनहदिम करना। लश्कर इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। जब वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि रोमन एम्पायर ने बहुत बड़ा लश्कर भेजा है। आखिर मुसलमान मौता के मकाम पर पहुँचे। इधर मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3,000 थी जबकि रूमियों की तादाद 2,00,000 थी। मुसलमानों ने बहुत ही बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए बहुत जोरदार हमला किया। अपनी फौज के साथ चारों तरफ से दुश्मन पर टूट पड़े। यहाँ तक कि बहादुरी के साथ दुश्मन को गाजर मूली की तरह काटते हुए शहीद हो गए। इनके बाद हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने इस्लाम का झंडा हाथ में ले लिया और दुश्मन के लश्कर के बीच में पहुँच गए। बहादुरी से लड़ते लड़ते फिर एक दुश्मन के बार से दायां बाजू कट गया तो झंडा बाएं हाथ में पकड़ लिया। दुश्मन ने बायां बाजू भी काट दिया तो झंडा अपने बचे कुचे बाजुओं से संभाले रखा। उसने तीसरा वार कमर पर किया तो आप लड़खड़ा कर नीचे गिर गए और शहीद हो गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हजरत अब्दुल्लाह बिन रबाहा ने झंडा संभाला। जब ये भी बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए तो मुसलमानों के हौसले पस्त होते हुए महसूस हुए क्योंकि मुसलमानों की तादाद रूमियों के मुकाबले बहुत कम थी। ऐसे क्रिटिकल टाइम में हजरत साबित बिन अकरम ने झंडा उठाया और बुलंद आवाज में बोले, ए भाई खालिद बिन वलीद, मेहरबानी करके इस झंडे को आप संभाल लें। इस मुश्किल वक्त में आप ही लश्कर की क़यादत कर सकते हैं। इस पर खालिद बिन वलीद ने फरमाया, आप झंडा अपने पास रखिए, आप मुझसे अफजल हैं, आपने गज़वाए बदर में भी हिस्सा लिया है। अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो इस्लाम के लश्कर की क़यादत आपका हक है। उनकी बात सुनकर साबित बिन अकरम ने कहा, मैदान जंग में अपनी जवा मर्जी के जौहर दिखाने में आपसे बेहतर इस लश्कर में कोई भी नहीं। वल्लाही मैंने ये झंडा आपके हाथ में देने के लिए ही उठाया है। यहाँ मौजूद सभी की ख्वाहिश है कि इन मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी आप ही संभालें। ये कहकर आपने बुलंद आवाज से कहा, सिपाहियों क्या तुम खालिद बिन वलीद को अपना सिपे सालार एक्सेप्ट करते हो? सबने कहा हाँ। तो फिर खालिद बिन वलीद ने फ्लैग अपने हाथ में ले लिया। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद ने ये स्ट्रेटेजी इख्तियार की कि चंद घुड़सवार लश्कर से पीछे हटकर सिर्फ घोड़े दौड़ाते रहे। जब ये काम स्टार्ट किया तो वहाँ गर्दो खुवार उठने लगा। रूमी लश्कर ये हालत देखकर खौफ ज़दा हो गया। उसे लगा कि मुसलमानों को मदद आई है इसलिए उनके हौसले पस्त होने लगे। फिर धीरे धीरे खालिद बिन वलीद अपनी फौज को दुश्मन के बीच से बाहर निकाल लाए। फिर दूसरे दिन मुसलमानों ने जोरदार हमला किया और रूमियों के परखच्चे उड़ाने लगे। हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में उस दिन 9 तलवारें टूटी। मुसलमानों के लश्कर को उनके बीच से निकाल कर ले आना हजरत खालिद बिन वलीद का एक बहुत बड़ा कारनामा था क्योंकि रूमी फौज 60 गुना थी और मुसलमान फौज का नुकसान भी कम से कम हुआ। इस जंग में हजरत खालिद ने कहा था रूमियों से, तुम अपनी तादाद पर न जाना, अपने असलाह पर न जाना, जान लो तुम्हारा मुकाबला आज उस कौम से है जिसे मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है।
शहादत मखदूम मकसूद मोमिन नवाले गनीमत ने किस्मत गुसाई उसे शिकस्त कौन देगा। फिर जब मदीना पहुँचे तो उनका जबरदस्त तरीके से वेलकम किया गया। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लकब दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा चुन लिया गया। दूसरी तरफ अरब के कुछ कबीले अपने दीन से फिर गए। चंद अफराद ने झूठी नबूवत का दावा कर दिया। उन्होंने मदीने की मरकजी हुकूमत के खिलाफ एक फितना खड़ा कर दिया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने मुर्तदों को सबक सिखाने का फैसला किया। उनसे मुकाबले के लिए एक फौज तैयार की। तुलैहा बिन खुवैलद वो शख्स था जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीमार होने की खबर सुनते ही नबूवत का दावा कर दिया था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद को पहले उसकी तरफ रवाना किया, फिर तुलैहा और उसके पैरोकारों को शिकस्त दी। हजरत खालिद बिन वलीद इसके बाद मदीना पहुँचे तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने मुहाजरीन और अंसार के एक लश्कर को उनकी क़यादत में दिया और मुसैलमा कसाद के मुकाबले में रवाना किया। ये भी झूठी नबूवत का दावा कर रहा था और उसने अपने गिर्द बेशुमार मुर्तद जमा कर लिए, मतलब एक लश्कर उसके साथ था। खालिद बिन वलीद से पहले इकरमा बिन अबू जहल और सुराबील बिन हसना की फौज मुसैलमा से शिकस्त खा चुकी थी। मुसैलमा को खालिद बिन वलीद के आने का पता चला तो वो उनके मुकाबले में 40,000 का लश्कर लेकर मैदान में आ गया। दोनों फौजें आपस में टकराई, जबरदस्त जंग हुई, लेकिन मुसैलमा के लश्कर में किसी कमजोरी के आसार नहीं दिखे। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने एक जंगे हिकमत अमली इख्तियार की, पूरे लश्कर को कबीले की बुनियाद पर बांट दिया और हर कबीले का एक कमांडर नामजद किया और सबसे फरमाया पूरी शिद्दत से लड़ना, अब मैं देखूंगा कि कौन सा कबीला जंग में बसपाई इख्तियार कर रहा है और कौन सा कबीला पेश कदमी कर रहा है। इस तरह हर कबीले ने जी जान से मुकाबला किया। इस तरह मुसैलमा की फौज के पांव उखड़ गए और वो भाग कर एक बाग में दाखिल हो गया। बाग के गिर्द एक मजबूत चार दीवारी थी। अंदर दाखिल होते ही मुर्तदों ने बाग का दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बहुत मजबूत था, उसको तोड़ना आसान नहीं था। चारों तरफ दीवारें बहुत ऊंची थी। मुसलमानों ने बाग को चारों तरफ से घेर लिया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा। ये सूरत हाल देखकर एक सहाबी सैयदना बरा बिन आजिब ने अपने साथियों से कहा, मुझे उठाकर दीवार के ऊपर से बाग में फेंक दो। मुसलमानों ने ऐसा ही किया, उनको हाथों और पैरों से पकड़कर झूला दिया और उछाल दिया। ये दीवार के ऊपर से होते हुए ऐन दरवाजे के दूसरी तरफ बाग में जा गिरे। ये निडर फुर्तीले बहादुर और जावाज सहाबी फजा में लहराते हुए बाग में गिरे तो मुसलमान की फौज में भगदड़ मच गई। उन्होंने ख्याल किया कि ना जाने आसमान से कौन सी बला नाजिल हो गई, लेकिन सैयदना बरा बिन आजिब ने फौरन दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही लश्कर इस्लाम दुश्मनों पर टूट पड़े। एक बार फिर घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई। मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब वहाशी बिन हरब के हाथों मारा गया। ये वही वहाशी बिन हरब हैं जिन्होंने गज़वाए ओहद में हजरत हमजा रजी अल्लाह अनु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा को शहीद किया था। इसके बाद ये वहाशी बिन हरब मुसलमान हो गए थे और आज उनके हाथों इस्लाम का ये बदतरीन दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचा। इसके अलावा उसकी फौज के तकरीबन 1,000 लोग भी मारे गए। बाग के अंदर हर तरफ लाशें दिखाई दे रही थी। इसके बाद उस बाग का नाम हदीकतुल मौत यानी मौत का बागीचा मशहूर हो गया। इस जंग को जंगे यमामा कहा जाता है। हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में पहली जंग जंगे हुज़ैर इराक पर लड़ी गई। मदीना से बसरा जाते हुए पहले हुज़ैर आता है। यहाँ का हाकिम हुरमुस था। ये ईरान की हुकूमत के मातहत था। उसकी टोपी में हीरे लगे हुए थे। हजरत खालिद बिन वलीद 10,000 के लश्कर के साथ इराक की तरफ रवाना हुए। इराक की सरहद पर पहुंचे तो हजरत मुसन्ना बिन हारिसा 8,000 के लश्कर के साथ उनसे आ मिले। अब हजरत खालिद बिन वलीद ने लश्कर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्से का सालार मुसन्ना बिन हारिसा को, दूसरे का अदी बिन हातिब को मुकर्रर किया, तीसरे की क़यादत खुद अपने हाथ में ले ली। उधर हुरमुस ने अपनी फौज की सफबंदी इस तरह की कि दाएं और बाएं हिस्से पर शाही खानदानों के जफाकश शहजादे बतौर सालार मुकर्रर किए। मैदान जंग में टिके रहने के लिए तमाम फौजी जवानों ने अपने आप को जंजीरों में बांध लिया। अरबी में जंजीरों को सलासिल कहते हैं। इसी वजह से इस जंग का नाम जंगे जातुस सलासिल मशहूर हुआ। जंग शुरू करने से पहले हजरत खालिद बिन वलीद ने ईरानियों को इस्लाम की दावत दी। उनके इनकार पर आखिर जंग का आगाज हुआ। हुरमुस की फौज ने इस मैदान में पहले पहुंचकर
दरिया पर कब्जा कर लिया। हजरत खालिद बिन वलीद ने ये देखकर अपनी फौज को सहरा की तरफ जाने का हुक्म दिया। आखिरकार वो काजिमा नामी मुकाम पर पहुंच गए। इस तरह उन्होंने दुश्मन को पानी के चश्मे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर दुश्मनों से टकराव हुआ, हुरमुज उनके मुकाबले में आया। हजरत खालिद बिन वलीद ने उस पर ऐसा वार किया कि वो अपने ही खून में नहाकर घुटनों के बल गिरा और मर गया। हुरमुज के कत्ल से ईरानी फौज के हौसले टूट गए। मुसलमानों का डर उनके दिलों में बैठ गया। फारसियों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मुसलमानों ने उनका ताकुब करके बेशुमार फारसियों को तहस नहस कर दिया। इस तरह उन्हें मुसलमानों के हाथों शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस जंग की नुमाया बात यह थी कि खालिद बिन वलीद ने दुश्मन की जंग हिकमत अमली को नाकाम बना दिया और उन्हें अपने अकॉर्डिंग लड़ने पर मजबूर कर दिया। जंग के बाद उन्होंने मदीने में माल गनीमत में शामिल एक हाथी भी भेजा। मदीने के लोगों ने अपनी जिंदगी में पहली बार हाथी देखा था तो वो ऐसे अजीबोगरीब जानवर को देखकर हैरान हो गए। इस लड़ाई में हुरमुज की एक टोपी भी हाथ लगी। इस टोपी में पेश कीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए। माल गनीमत तकसीम के वक्त ये टोपी हजरत खालिद बिन वलीद के हिस्से में आई तो वो तकरीबन 1,00,000 दिरहम की साबित हुई। लगातार फतोहात में जहाँ कुफार के अंदर हलचल मचा दी, मुसलमानों के हौसले बहुत बुलंद कर दिए थे। हीरा और उबुल्ला के दरमियान दरियाए फुरात के किनारे इलीस नामी इलाका है। इराक में आबाद अरब कबाइल ने ईरानियों के साथ मिलकर इस्लामी लश्कर का मुकाबला करने का प्लान किया। ये कबाइल मुसलमानों से बार बार शिकस्त खाने के बाद मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। उधर हजरत खालिद बिन वलीद ने उस मकाम पर पहुंचकर दुश्मन पर हमला किया। दुश्मन के लश्कर में नामी गिरामी शख्स मालिक बिन कैस मौजूद था। वो आपके मुकाबले पर आया तो आपने एक ही बार में उसे ढेर कर दिया। ये देखकर दुश्मन फौज पर हैवत तारी हो गई। लश्कर के लिए खाना तैयार था लेकिन उन पर ऐसी हैवत तारी हुई कि खाना मैदान में छोड़कर भाग निकले। मुसलमानों ने भागते हुए दुश्मन का पीछा किया और उन्हें काटते चले गए। इस जंग को जंगे इलीस कहते हैं। काफिरों के 70,000 के करीब लोग मारे गए। इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद का ध्यान हीरा की तरफ पहुंचा। अरब कबाइल को काबू में रखने के लिए जरूरी था कि हीरा पर कब्जा किया जाए, इसीलिए इस अजीम जनरल ने हीरा की तरफ रुख किया। ये इलाका भी दरियाए फुरात के किनारे पर वाकई था। हजरत खालिद बिन वलीद ने कश्तियों के जरिए रास्ता तय किया। उधर हीरा के गवर्नर को इस्लाम के लश्कर के आने का पता चला तो उसने अपने बेटे की कमान में बहुत से जंगजू भेजे ताकि मुसलमानों को हीरा पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाए। गवर्नर का बेटा हजरत खालिद बिन वलीद के मुकाबले में आया तो वो उनके हाथों मारा गया। बेटे की कत्ल की खबर सुनकर गवर्नर घबरा गया और किले में बंद हो गया। हीरा में बहुत मजबूत और आलीशान किले तामीर किए गए ताकि जरूरत के वक्त उनको अपनी हिफाजत के लिए काम में ले लिया जाए। हीरा मुसलमानों से खौफ खाकर किले में चला गया। मुसलमानों ने किले का मुहाशरा कर लिया। एक दिन और एक रात मुहाशरा जारी रहा। आखिर किसी तरह चंद मुजाहिदीन किले में दाखिल हो गए लेकिन हीरा और उसके लोग पहले ही हौसला हार चुके थे, इसलिए सुलह पर आमादा हो गए। उन्होंने सालाना 1,90,000 दिरहम जजिया अदा करना कबूल किया और ये भी तय हुआ कि अहले हीरा मुजाहिदीन के लिए इराक के खिलाफ जासूसी का खिदमत अंजाम देंगे। तय पाया कि मुसलमान उनकी इबादत गाहों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने एक साल हीरा में कायम किया। इस एक साल के अरसे में इर्द गिर्द फौजी दस्ते भेजकर नुमाया कामयाबियां हासिल की। हजरत खालिद बिन वलीद की दिली ख्वाहिश ये थी कि इस्लामी रियासत की शिमाली सरहदों पर रूमियों को कलम कमा किया जाए। आखिर उन्होंने 36,000 का लश्कर तैयार किया। बहादुर और तजुर्बेकार सालारों को उसकी क़यादत सौंपी। लश्कर को कई दस्तों में तकसीम किया। उन्हें हुक्म दिया कि अलग अलग दस्तों की सूरत में आगे बढ़े और यरमूक के मकाम पर मिले। इस्लामी लश्कर जब यरमूक में पहुंचा तो पता चला कि उनके मुकाबले में 2,00,000 का लश्कर है। इस्लामी लश्कर के सालारों ने आपस में मशवरा किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि खलीफा को इस बात की खबर दी जाए। मदीना में जब हजरत अबूबकर रज़ी अल्लाह अन्हु को इस बात का पता चला तो उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद की तरफ अपना कासिद भेजा। वो उस वक्त इराक के मुहाज पर थे। उन्हें वहाँ खलीफा का पैगाम मिला कि वो शाम पहुंचकर रोमियों के खिलाफ इस्लामी लश्कर की क़यादत करें। हजरत खालिद बिन वलीद फौरन रवाना हुए। उनका सफर बहुत मुश्किल था। वो अपने 8,000 सिपाहियों के साथ यरमूक में मौजूद इस्लामी लश्कर से जा मिले। उन्होंने एहतियात से सूरत हाल का जायजा लिया, लड़ाई का बाकायदा मंसूबा तैयार किया। उन्होंने देखा कि इस्लामी लश्कर 4 सालारों के तहत बटा हुआ है, इस वजह से जंग लड़ना मुश्किल होगा। तो उन्होंने सालारों से मशवरा किया और उनसे कहा कि सब दस्ते इकट्ठे कर लें ताकि एक कामयाब लड़ाई लड़ी जा सके। उस वक्त
उन्होंने फौज से ये कहा, हमारा आज का दिन अल्लाह के लिए वक्त है, दुश्मन के लिए फक्र या गुस्से के इजहार का कोई फायदा नहीं होगा, इखलास के साथ इस जिहाद में हिस्सा लो और अल्लाह की खुशनुदी के हकदार बन जाओ। अपने साथियों से उन्होंने ये दरख्वास्त की कि पहले दिन फौज की कमान उन्हें संभालने दी जाए। सब सालार उनकी बात पर राजी हो गए। जंग शुरू होने से पहले रूमी सालार ने हजरत खालिद बिन वलीद से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो वो मुलाकात के लिए तैयार हो गए। हामान ने उनसे कहा कि हमारे इल्म में ये बात आई है कि तुम गुर्बत की वजह से अपने मुल्क से निकल आए हो, तुम चाहो तो मैं तुम में से हर एक को 10 दीनार कपड़े और खुराक दे सकता हूँ, शर्त यह है कि तुम अपने मुल्क वापस चले जाओ, अगले साल भी मैं तुम्हें इसी कदर इनाम दूंगा। उसकी बात सुनकर हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, ये गुर्बत नहीं जो हमें यहाँ लाई है, बल्कि हम तो तुम्हारा खून पीना चाहते हैं, हमें बताया गया है कि तुम्हारा खून लजीज तरीन है। ये कहकर हजरत खालिद बिन वलीद अपनी फौज में वापस आए। उन्होंने मैदान जंग का जायजा लिया और रूमियों के लश्कर का मुकाबला करने के लिए अपनी फौज दस्तों में तकसीम करके उनकी सफबंदी की। यरमूक में जब तलवारें तलवारों से टकराई तो फिजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंजने लगी, सर कट कट कर गिरने लगे। दोनों फौजें सारे दिन लड़ती रही और शाम को अपने पड़ाव में चली गई। दूसरे दिन इस्लामी फौज ने रूमी लश्कर के कल्ब पर हमला किया, उनकी सफें तड़म बड़म कर दी। बिलाखिर रूमियों के पांव अखड़ गए और भागने लगे। मुसलमानों ने उनका पीछा किया और फसल की तरह उन्हें काट डाला। रूमियों का बेपनाह नुकसान हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद सिर्फ एक जंगजू ही नहीं बल्कि वो इस्लाम की अजमत का एक निशान भी थे। यरमूक की ये लड़ाई हो रही थी, जंग का मैदान गर्म था। ऐसे में मदीने से एक कासिदा पहुंचा, उसने लश्कर में मौजूद हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से चले गए और हजरत उमर बिन खत्ताब मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए हैं। उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद को लश्कर की कमान से हटा दिया और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को मुसलमानों का सिपह सालार मुकर्रर किया है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने खत को उस वक्त तक छुपाए रखा जब तक जंग खत्म न हो गई। जंग खत्म होने पर वो हजरत खालिद बिन वलीद के पास गए, वो खत उन्हें दिया तो हजरत खालिद बिन वलीद ने वो खत पढ़ा और पूछा, ये खत कब आया था? तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने बताया कि मुझे ये खत उस वक्त मिला था जब जंग उरूज पर थी। उन्होंने पूछा कि ये आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं दिया? तो हजरत अबू उबैदा ने कहा कि वो वक्त खत देने के लिए ठीक नहीं था। हजरत खालिद बिन वलीद ने उनकी तारीफ की और आगे बढ़कर उनकी पेशानी को चूम लिया। उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने उसी वक्त फौज की कमान उनके सुपुर्द कर दी। फिर उनकी कियादत में एक सिपाही की हैसियत से लड़ते रहे। पहले कुफ्र के खिलाफ जिहाद में शामिल रहे, यहाँ तक के मुसलमानों ने फलस्तीन और उर्दून के तमाम इलाके फतेह कर लिए। उन्होंने रूमियों को उस इलाके से निकाल बाहर किया। रूमी बादशाह हिराक्ल को अपनी फौज की इबरतनाक शिकस्त की खबर मिली तो वो अपने फौजी पड़ाव हिम्स को छोड़कर वापस कुस्तुनतुनिया चला गया। उसने शाम को हमेशा के लिए छोड़ दिया। यरमूक की लड़ाई में एक दिलचस्प वाकया ये पेश आया कि एक रूमी जर्नल जर्जा ने हजरत खालिद बिन वलीद से कहा, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारे रसूल पर आसमान से कोई तलवार नाजिल हुई थी जो उन्होंने तुम्हारे हाथ में थमा दी और तुम्हें सैफुल्लाह कहा जाने लगा? इस पर हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, अल्लाह पाक ने हमारी रहनुमाई के लिए एक रसूल भेजा, हम में से बाज ने उनकी तस्दीक की और दिलो जान से उनका साथ दिया, उनके हर हुक्म के सामने सर झुका दिया, जबकि बाज ने उनकी मुखालफत की। पहले मैं भी ऐसे लोगों में शामिल था, फिर अल्लाह ने मेरे दिल को इस्लाम की तरफ माइल कर दिया। एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद तुम अल्लाह की तलवार हो, तुझे अल्लाह ने काफिरों का कला कमा करने के लिए बनाया है, सो इसलिए मेरा नाम सैफुल्लाह मशहूर हुआ। तो रूमी जर्नल हामान ने पूछा, तुम किस चीज की दावत देते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, हम अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत की तरफ बुलाते हैं। उसने फिर पूछा कि अगर आज कोई इस्लाम ले आए तो वो अजर और सवाब में क्या तुम्हारे मकाम तक पहुंच सकता है? ये सुनकर हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, यकीनन मुझसे दो हाथ आगे बढ़ सकता है। ये सुनकर रूमी जर्नल ने फौरन कहा कि मुझे भी मुसलमान कर लें। हजरत खालिद बिन वलीद को उसकी ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई तो उसे गुस्ल करने की हिदायत दी और गुस्ल के बाद उसे कलमाए शहादत पढ़ाया। उसने 2 रकात नमाज अदा की और अपनी फौज पर लानत भेजी, फिर इस्लामी लश्कर में शामिल होकर बेजिगरी से लड़ा, यहाँ तक के शहादत पा ली। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने सिर्फ ये 2 ही रकात नमाज अदा की। अजीब खुशकिस्मत इंसान था। इस लड़ाई के दौरान मुजाहिदीन का जज्बा जिहाद और शहादत का शौक देखने के काबिल था। हजरत इकरमा बिन अबी जहल रजी अल्लाह अन्हु जोश
और जज्बे के आलम में बोले, मैं इस्लाम कबूल करने से पहले किसी भी मार्के में पीट फेर कर नहीं भागा, तो आज इस्लाम के दुश्मनों के मुकाबले में कैसे भाग सकता हूँ। साथियों आओ, शहादत का शौक दिल में बसा कर आगे बढ़ो। ये कहा और चंद साथियों के साथ दुश्मनों की सफ़े चीरते हुए रूमी लश्कर के बीच में पहुंच गए और इस तरह दुश्मन के नरगे में आ गए। तेजी से तलवार चलाने लगे और दुश्मनों को काटते चले गए। उन पर भी चारों तरफ से तलवारें बरस रही थी। आखिर आपने भी शहादत पाली। हजरत खालिद बिन वलीद ने काफिरों के खिलाफ बेशुमार जंगे लड़ी। जब उनकी जंगी तदबीरें अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा रही थी, जब वो फतुहात पे फतुहात हासिल करते हुए आगे ही बढ़ते चले जा रहे, तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अनु का हुक्म उन्हें मिलता है। खत के अल्फाज ये थे, आपको इस्लामी लश्कर की सिपे सालारी से माजूर किया जाता है। ये खबर कोई छोटी सी खबर नहीं थी, ये खत कोई मामूली खत नहीं था, एक ऐसे जबरदस्त अजीम सिपे सालारी की माजूली का हुक्म था। उस अल्लाह के बंदे ने इस हुक्म को इंतहाई सब्र, सुकून और रजामंदी से कबूल किया। शिकायत का एक लफ्ज भी उनकी जुबान से ना निकला। मालूम हुआ कि वो तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए लड़ रहे थे, सिपे सालारी के लिए नहीं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अनु से जब इस हैरत अंगेज और अनोखे फैसले के बारे में पूछा गया कि आपने खालिद को क्यों सिपे सालारी से हटा दिया, तो आपने जवाब दिया, मैंने खालिद को किसी गलती या जुर्म की सजा के तौर पर माजूर नहीं किया है, बल्कि मैंने ये फैसला इसलिए किया कि मुसलमान कहीं ये गुमान न कर लें कि इन्हें फतेह खालिद बिन वलीद की वजह से हो रही है, फतुहात हमें अल्लाह की मेहरबानी से हो रही है। बहरहाल सिपे सालारी छोड़कर एक आम सिपाही की हैसियत से लश्कर में शामिल रहना और इस्लाम के दुश्मनों से जंग जारी रखना उनका एक नाकाबिले फरामोश कारनामा था। हजरत खालिद बिन वलीद अपनी जिंदगी में शहादत की ख्वाहिश करते रहे, जिंदगी भर दुश्मनों से लड़ते रहे। उनके जिस्म पर कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्म का निशान मौजूद ना हो, लेकिन अल्लाह की कुदरत शहादत की मौत उनके नसीब में नहीं। दुश्मन उनका नाम सुनकर कांप जाते थे। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में हिम्स शहर में बिस्तर पर लेटे थे और आंसू बहाते हुए गमगीन अंदाज में कह रहे थे, अफसोस मैं आज बिस्तर की मौत मर रहा हूँ। अल्लाह की कसम, मैंने शहादत के शौक में बेशुमार जंगें लड़ी, मेरे बदन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिस पर तीर तलवार के जख्म का निशान मौजूद न हो, लेकिन मुझे शहादत की मौत न मिल सकी। फरमान है हजरत खालिद बिन वलीद का कि मौत लिखी हुई ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है, और जब मौत मुकद्दर न हो तो जिंदगी खुद जाकर मौत से बदला ले आएगी। दुनिया के मुजलों को मेरा ये पैगाम सुना दो कि अगर मौत मैदान जंग में होती तो खालिद कभी बिस्तर पर न होता। इन अल्फाज के साथ रूह परवास कर गई। उनके इंतकाल की खबर जब अमीरुल मोमिनीन को मिली तो आप बहुत रंजीदा हुए, और जब उन्हें पता चला कि उन्होंने एक घोड़ा और जंग में यूज होने वाले हथियारों के सिवा पीछे कुछ नहीं छोड़ा, तो आंखों में आंसू आ गए और फरमाया कि खालिद वाकई एक अजीम इंसान था। उनका जनाजा उठाया गया तो वालिदा ने गम में रोते हुए कहा, मेरे बच्चे तू बिला सुबह हजारों में एक था, शेर से बढ़कर दिलेर था और दरिया से बढ़कर सखी था। तूने उम्मते मुस्लिमा का दिफा उसी तरह किया जिस तरह शेर अपने बच्चे की हिफाजत करता है। अल्लाह का साया तुम पर सदा रहे। मेरी दिली दुआ है कि आखिरत में तुझे आराम, सुकून और चैन नसीब हो। तू जिंदगी भर मेरी आंखों की ठंडक और दिल का सुरूर बना रहा। अल्लाह तुझे आखिरत में खुशियां नसीब करे। बेटा मैं तुझे रब्बे करीम के सुपुर्द करती हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अनु को हिम्स में दफन किया गया। वो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए इस बात की अलामत बन गए कि उस जमाने के मुसलमान किस कदर दिलेर और बहादुर थे। आप रजी अल्लाह अनु ने 21 हिजरी में वफात पाई। अल्लाह उन पर बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।